कंपटीशन के इस दौर में आज हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां जहां नए नए आविष्कार की खोज कर रही हैं, वहीं डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीजों को लेकर खाने पीने तक लगातार कुछ न कुछ नया और अलग करने का प्रयास जारी है। होटल्स, कैफेज या रेस्टोरेंट्स आज एक ऐसी जगह बन चुकी हैं जहां सिर्फ खाने के स्वाद को ही नहीं बल्कि अच्छी सर्विस, जगह के अंदरूनी माहौल, इंटीरियर और अच्छे एम्बियंस को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में खाते समय एक व्यक्ति उस जगह पर लगभग आधे घंटे से लेकर एक से डेढ़ घंटे तक का समय तो बिताता ही है, और ऐसे में वो खाने के साथ साथ उस जगह के माहौल से भी काफी प्रभावित होता है। अपने कस्टमर्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बढ़ाने और अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए कैफेज और रेस्टोरेंट्स में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स और नई नई थीम्स को अपनाया जाने लगा है। कई रेस्टोरेंट्स तो इन तरीकों से लोगों को आकर्षित करने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ अलग हटकर करने के चक्कर में लोग अपने रेस्टोरेंट्स को बहुत अजीब और विचित्र बना देते हैं। आइए नजर डालते हैं भारत के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स पर। बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन टू स्टे कनेक्टेड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। नेचर्स टॉयलेट कैफे अहमदाबाद। किसी कैफे के नाम में टॉयलेट शब्द का होना सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये कैफे ईट व्हाइल यू सिट ऑन द पॉट की थीम पर आधारित है, यानी यहाँ पर लोगों को सोफे या कुर्सियों जैसी चीजें नहीं बल्कि टॉयलेट सीट्स पर बिठाया जाता है। जी हाँ, एक सुलभ शौचालय म्यूजियम की तरह दिखने वाली ये जगह इतनी अजीब होने के बावजूद भी अहमदाबाद के फेमस रेस्टोरेंट्स में से एक है। इस अजीब और गरीब कैफे में एक टॉयलेट गार्डन भी मौजूद है, जिसमें 1950 यानी सन 1950 के दशक में होने वाले अलग अलग तरह के लगभग 20 से भी ज्यादा शौचघर बनाए गए हैं। जो लोग खाते समय कुछ अजीब एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं या जिन लोगों को टॉयलेट सीट पर बैठकर कुछ ना कुछ खाने की आदत है, उन लोगों के लिए ये जगह परफेक्ट है। टेस्ट ऑफ डार्कनेस हैदराबाद। बेहद अलग कॉन्सेप्ट के साथ हैदराबाद का ये रेस्टोरेंट खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें अंधेरे से बहुत ज्यादा प्यार है। यहाँ आप अपने खाने का भरपूर आनंद उठा तो सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते क्योंकि इस रेस्टोरेंट के अंदर किसी भी तरह की लाइट नहीं है। यहाँ अंधेरे में खाना खाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और आपको अपने सेंसेस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो बिजली बचाने का ये भी एक काफी अच्छा तरीका है, हो ना हो, पर यहाँ से वापस आके लोगों को उनकी आंखों की कीमत जरूर पता चल जाएगी। न्यू लकी रेस्टोरेंट अहमदाबाद। अगर कोई आपसे कहे कि आप कब्रिस्तान में जाकर खाना खाओ तो आप क्या करेंगे? बेशक उस व्यक्ति को पागल कहेंगे, मगर लगता है न्यू लकी रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णन कुट्टी का अलग ही नजरिया है। उनका मानना है कि कब्रें उनके लिए एक दुर्लभ चाम है, इसलिए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को कब्रिस्तान के ऊपर बनाया है, और यही नहीं, उन्होंने कब्रें को हटाया भी नहीं है। इस रेस्टोरेंट के अंदर टेबल कुर्सी के साथ कब्रें भी मौजूद हैं। जी हाँ, ये एक 50 साल पुराना रेस्टोरेंट है जहाँ आज भी कब्रों के बीच बैठकर चाय पी जाती है। अब ऐसी जगह पर चाय पीते समय कोई भूत प्रेत की बात करना शुरू कर दे तो शायद डर का कुछ ज्यादा ही एहसास होने लगेगा, इसलिए ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सेवा कैफे अहमदाबाद। जैसा इस कैफे का नाम है वैसा ही इस कैफे का काम भी है, यानी कि जिस तरह के कॉन्सेप्ट को इस कैफे के लोगों ने अपनाया है वो अपने कस्टमर्स की सेवा करने से कम नहीं है। यहाँ पर आने वाले लोगों का पूजा की थाली और कुमकुम से स्वागत किया जाता है, और सबसे खास बात, यहाँ खाना खा लेने के बाद बिल नहीं दिया जाता। जी हाँ, बिल की जगह कस्टमर्स को यहाँ पे खाली एनवेलोप यानी कि लिफाफा दिया जाता है जिसमें लिखा होता है पे फ्रॉम योर हार्ट। इसका मतलब है आप अपने मन मुताबिक ज्यादा या कम जितना चाहें उतना पे कर सकते हैं। इस जगह को पूरी तरह घर जैसा बनाया गया है, और अगर आप चाहें तो कैफे में किए जाने वाले काम जैसे खाना बनाना, साफ सफाई आदि में इन लोगों की मदद भी कर सकते हैं। द बार स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। मुंबई का ये रेस्टोरेंट किसी स्टॉक मार्केट से कम नहीं। घबराइए नहीं, यहाँ आपको शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है बल्कि पैसे सिर्फ अपनी ड्रिंक्स के ही देने हैं। लेकिन यहाँ पर मिलने वाली बेवरेजेस यानी कि ड्रिंक्स के भाव बिल्कुल किसी स्टॉक मार्केट की तरह लगातार घटते और बढ़ते रहते हैं। जब बार खुलता है तो चीजों के दाम कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज की डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका दाम बढ़ने लगता है।
लगता है इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को इन लोगों ने काफी सीरियसली ले लिया है। कैदी किचन चेन्नई। कभी सोचा है जेल का खाना कैसा होता है? डरिए नहीं, ये कोई असली जेल नहीं और ना ही कोई आपको यहाँ कैद करेगा। चेन्नई के इस रेस्टोरेंट को एक जेल की तरह बनाया गया है। पूरी तरह जेल की थीम पर आधारित इस रेस्टोरेंट में जहाँ जेलर्स आपका ऑर्डर लेते हैं, वहीं वेटर्स कैदी के लिबास में आपको खाना सर्व करते हैं। जितना अच्छा यहाँ का खाना है, उतना ही रियल दिखने वाला यहाँ का वातावरण भी है। सिल्वर मेट्रो बेंगलुरु। हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ट्रेन में सफर किया होता है। कैसा हो अगर आपको छुट्टी वाले दिन या वीकेंड पर लंच या डिनर के लिए ट्रेन में ले जाया जाए? बैंगलोर के इस रेस्टोरेंट को बिल्कुल एक मेट्रो ट्रेन की तरह बनाया गया है। इसके अंदर ट्रेन में पाई जाने वाली सिल्वर दीवारें, पैसेंजर सीट्स आदि जैसी सभी चीजें बनाई गई हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बेमिसाल स्वादिष्ट खाने से आपका स्वागत किया जाता है, ना कि ट्रेन में मिलने वाले धक्कों से। 70mm हैदराबाद। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें बॉलीवुड से बेहद प्यार है, तो बेशक ये जगह आपके लिए है। हैदराबाद के इस रेस्टोरेंट को बॉलीवुड थीम पर बनाया गया है। यहाँ की दीवारों पर आपको DDL जैसे लेकर दिल वाले तक के पोस्टर्स दिखाई देंगे। मजा तो आपको ये जानकर आएगा कि यहाँ बॉलीवुड की मशहूर मूवीज भी चलाई जाती हैं। अब जब खाने के साथ अपनी पसंद की मूवी भी देखने मिल जाए, तो शायद ही कोई होगा जो यहाँ आना ना चाहे। हाईजैक रेस्टोरेंट। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और चेन्नई में मौजूद इस रेस्टोरेंट को एक डबल डेकर बस में बनाया गया है। हाईजैक में आपको लजीज खाने के साथ साथ एक लॉन्ग ड्राइव का भी अनुभव दिया जाता है, यानी कि ये बस में बना एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है। 40 से 45 किलोमीटर तक के इस अनूठे सफर को मात्र 1 से 1.5 घंटे में पूरा किया जाता है। जिन लोगों को बाहर डिनर करना और लॉन्ग ड्राइव पर जाना, ये दोनों ही काम पसंद आते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट परफेक्ट है। 21 फ़ारेनहाइट मुंबई। 21 फ़ारेनहाइट का मतलब है -6 डिग्री सेल्सियस का तापमान, और यही सेम तापमान मुंबई में स्थित एक कैफे का भी है। मुंबई एक ह्यूमिड शहर है जहां लोगों को गर्म कपड़े और तेज ठंड का अनुभव काफी कम होता है, इसलिए इस कैफे बार को पूरी तरह बर्फ से बनाया गया है। यहां ड्रिंक्स और ठंडी चीजों को सर्व करने के लिए बर्फ की प्लेट्स और ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है, और इतना ही नहीं, यहां टेबल्स और चेयर्स से लेकर कर्टन्स भी बर्फ से ही बने हुए हैं। तो ये थे भारत के कुछ अजीबोगरीब और अद्भुत रेस्टोरेंट्स। अगर आपको कुछ अलग और हटकर एक्सपीरियंस लेना है, तो इनमें से आप कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को,